को आपके आपके साथ में हम डिस्कस करते हैं कि आज के न्यूज़पेपर में क्या कुछ वर्ड्स रहे, और जो भी वर्ड्स हैं उनमें से जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उन सभी चीज़ों के बारे में डिस्कशन हम लोग यहाँ पर करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के डिस्कशन को पहले न्यूज़ के साथ में। पहले न्यूज़ है प्रेसिडेंट्स रूल फॉर 6 मोर मंथ्स इन जे एंड के, यानी कि जे एंड के यानी कि जम्मू और कश्मीर में अगले 6 महीने तक प्रेसिडेंट रूल और लगा रहने वाला है। पोल्स विल हेल्ड एवरी बाई ईयर एंड, अमित शाह टेल्स लोकसभा। अमित शाह ने लोकसभा में बताया है कि जो पोल्स हैं वो कहाँ कब होंगे, इस साल के अंत तक होंगे, उन्होंने ऐसा कहा। ठीक है, तो फिलहाल उन्होंने ये बात पूरी कही है। इसके बाद हम पढ़ते हैं अगली न्यूज़, तो हमारी कहते हैं प्रेसिडेंट ट्रंप प्रॉमिसेस। प्रेसिडेंट ट्रंप ने प्रॉमिस किया है अ वेरी बिग ट्रेड डील विद इंडिया, इंडिया के साथ में एक बहुत बड़ी ट्रेड डील के लिए। डिस्कसेस टेररिज्म गल्फ क्राइसिस विद मोदी ऑन द साइडलाइंस ऑफ G20 समिट। G20 समिट के साइडलाइन पर वो टेररिज्म डिस्कस कर रहे हैं, गल्फ क्राइसिस मोदी के साथ में डिस्कशन कर रहे हैं। अगर आप लोगों को वीडियो में आवाज़ आ रही है और आप लोग अच्छे से देख पा रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में आप मुझे बता दीजिए कि हाँ आपको सही सब कुछ दिख रहा है, जिससे कि मैं एक निश्चिंत होकर आगे बढ़ सकूँ और आपके साथ में डिस्कशन कर सकूँ। चलिए, तो आगे कहते हैं कि टेररिज्म द बिगेस्ट थ्रेट। उन्होंने कहा है कि जो टेररिज्म है उसे बिगेस्ट थ्रेट बताया है। थ्रेट मतलब होता है आपका खतरा, डेंजर। थ्रेट का मतलब आप समझ सकते हैं खतरा या फिर डेंजर होता है, तो टेररिज्म को इन्होंने बिगेस्ट थ्रेट बताया है, खतरा बताया है। ठीक है, तो यहाँ तक बात हो गई हमारी। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और कहते हैं सर वोकैबुलरी इज ब्लीक। गुड आफ्टरनून सर, गुड आफ्टरनून जय ग्रुप भी। क्या कह रहे हैं, वोकैबुलरी इज ब्लीक है, नहीं समझा मैं। चलिए खैर, हम आगे बढ़ते हैं। और वन मोर थिंग, एक बार मुझे बता दीजिए सब कुछ ठीक है। ओके, अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। फिलहाल यहाँ पर इन्होंने कहा है प्रोडक्टिव टॉक्स कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप, शिजो अबे और नरेंद्र मोदी ऑन ओसाका में। तो ये जरूर याद रखिएगा, करंट अफेयर्स का क्वेश्चन बनता है G20 समिट हाल में अभी कहाँ पर हुई है, तो ये हुई है आपकी ओसाका जापान में। ठीक, इसके बाद देखिए लव टूवर्ड्स इंडिया, इन्होंने देखिए कहा है कंटिन्यूड ऑन 5G इंडिया अलाइंस विद डेवलपिंग नेशन। अलाइंस विद मतलब डेवलपिंग नेशंस के साथ में अलाइन कर रहा है, उनके साथ में खड़ा हो रहा है। डोंट मेडल इन पोल ट्रंप जोक्स विद पुतिन। तो उन्होंने कहा है, अगर आप लोगों को यहाँ पर ये विजिबल हो, देखिए थोड़ा सा मैं इसको और जूम इन करता हूँ, अगर आप इस चीज़ को देख पा रहे हो तो यहाँ पर देखो उन्होंने कहा हुआ है कि ट्रंप डोंट मेडल इन पोल्स ट्रंप जोक्स पुतिन, यानी कि पुतिन ने, हाँ 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 ओके यू आर सेइंग जय ग्रुप, ओके ओके दैट्स ग्रेट। तो उन्होंने कहा कि पुतिन से उन्होंने मजाक करते हुए कहा कि पोल्स में मेडल मत करो, क्योंकि ऐसा कुछ आरोप लगे थे कि पुतिन ने रशिया ने अमेरिका के पोल्स में अमेरिका के चुनावों में दखलंदाजी की है। चलिए आगे बढ़ते हैं, मेडल की बात करें तो मेडल का मतलब हो जाता है टू बिकम इन्वॉल्व इन एक्टिविटीज़, टू बिकम इन्वॉल्व इन एक्टिविटीज़ एंड कंसर्न्स ऑफ अदर पीपल व्हेन योर इन्वॉल्वमेंट इज़ नॉट वांटेड, यानी कि आप दूसरे के मामले में हस्तक्षेप कर रहे हैं, दूसरे के मामलों में दखल अंदाजी दे रहे हैं जबकि उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। तो आप किसी दूसरे की एक्टिविटीज़ में, दूसरे के मामलों में, दूसरे की चिंताओं में आप इन्वॉल्व हो रहे हैं व्हेन इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड, तो इसे कहते हैं मेडल करना। एडल मेडल मतलब होता है किसी के मामले में दखल अंदाजी करना। सिनोनिम्स की बात करेंगे इससे, तो देखो सिनोनिम आप याद रख सकते हो बट इन, इंटरलोप, इंटरमेडल, इंट्रूड, इंटरफियर, नोज, ऑप्ट्रूड एंड स्नूप। इन सभी का मतलब यही होता है कहीं ना कहीं कि हल्का फुल्का दखल अंदाजी या बीच में दखल देने से मतलब है इन सभी का, तो आप इन्हें सिनोनिम्स के तौर पे जरूर याद रखेंगे। ठीक है, इसके बाद देखिए यहाँ पर इन्होंने कहा है कि ट्रंप प्लेज नाइस इन पब्लिक, पब्लिक में मोदी से अच्छे से मिले, क्योंकि एक दो दिन पहले वहाँ पर ट्विटर पर उन दोनों की मतलब थोड़ी बहुत उन्होंने कहा था कि हाई टैरिफ लगा रहा वगैरह वगैरह, लेकिन जब वो पब्लिकली मिले तो बहुत अच्छे से मिले। तो यूएन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप स्ट्रक अ कॉन्सिलियरेटरी टोन एट वन ऑफ द मोस्ट हाई स्टेक्स G20 मीटिंग्स इन जापान। तो कॉन्सिलेटरी का मतलब क्या होता है, कॉन्सिलेटरी का मतलब हो जाता है टू मेक समवन मोर फ्रेंडली और लेस एंग्री, यानी कि मान लीजिए आपकी मुझसे लड़ाई है लेकिन मैं जब आपसे मिल रहा हूँ तो मैं कॉन्सिलेटरी टोन में बात कर रहा हूँ, यानी कि मैं कहीं पर भी वो तलखी को, वो नाराजगी को कहीं भी जाहिर नहीं होने दे रहा हूँ और ऐसे मिल रहा हूँ कि हमारे बीच तो कुछ हुआ ही नहीं एंड वी आर वेरी फ्रेंड, वी आर वेरी, हमें मुझे आपके साथ कोई गुस्सा नहीं है, कोई मुद्दा नहीं है, उसके बारे में कहते हैं, तो उसे कहते हैं कॉन्सिलेटरी। सिनोनिम्स जरूर याद रखिएगा इसके, तो सिनोनिम्स होते हैं एकोमोडेट, अट्यून, हार्मोनाइज, कन्फर्म, कोऑर्डिनेट एंड रिकनसाइल। ये सारे इसके सिनोनिम्स बन जाते हैं, एकोमोडेट, अट्यून, हार्मोनाइज, कन्फर्म, कोऑर्डिनेट एंड रिकनसाइल।
और आप इसके साथ में दो idioms याद रख सकते हो, mend fences या फिर bury the hatchet. Mend fences या फिर bury the hatchet का मतलब हो जाता है कि किसी के साथ में सुलह करना और अपने जो भी आपके मुद्दे हैं, जो भी आपकी लड़ाइयां हैं, उनको आप साइडलाइन कर रहे हो और आप अपने मुद्दे पर आ रहे हो, तो उसे कहते हैं mend fences या फिर bury the hatchet. ठीक, तो यहाँ तक ये हो गया. इसके बाद बढ़ते हैं अगली न्यूज़ की तरफ. देखिए, यहाँ तक तो हमने ये वाली न्यूज़ देख ली. इसके बाद देखिए बढ़ते हैं आपका, यहाँ पर आते हैं सीधे सीधे, प्रपोजल ऑन इलेक्ट्रिक व्हीकल इज़ वेल थॉट आउट. तो उन्होंने कहा है कि जो इलेक्ट्रिक व्हीकल पे प्रपोजल है वो बहुत ही अच्छे से सोच समझ कर हमने लिया है, ऐसा कुछ नहीं है. तो फिलहाल ये कह रहे हैं, नीति आयोग वाइस चेयरमैन रिफ्यूट्स इंडस्ट्री चार्ज दैट प्लान इज़ अनरियलिस्टिक. यानी कि इंडस्ट्री ने ऐसा कहा है कि जी गुरजीत, पीडीएफ मिल जाएगी, लेकिन पीडीएफ के लिए आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना होगा, जिसके लिए आपको ऊपर लिंक दिख रहा होगा. अगर आप यहाँ पर देख रहे होगे तो टेलीग्राम चैनल के लिए @AmanTrivedi पर जाओगे तो हो जाएगा. ठीक है, हाँ, बरी द हैचेट प्रीवियस ईयर में भी पूछा गया है. बिल्कुल, ये प्रीवियस ईयर में बरी द हैचेट और मैंड फेंसेस दोनों ही पूछे गए हैं. तो उसके बाद कह रहे हैं, प्रपोजल ऑन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इज़ वेल थॉट आउट. तो नीति आयोग वाइस चेयरमैन जो हैं, उन्होंने रिफ्यूट करें सारे चार्जेस जो कि इंडस्ट्री ने लगाए, कि उन्होंने कहा कि प्लान जो है अनरियलिस्टिक है. तो नीति आयोग के वाइस चेयरमैन जो हैं राजीव कुमार, उन्होंने कहा ऐसा कुछ नहीं है, अनरियलिस्टिक बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी अच्छे से हमने सोच के लगाया है. तो आपको दो तीन चीज़ें याद रखनी है. देखिए, एक वर्ड होता है आपका रिफ्यूट, रिफ्यूज, डिक्लाइन या फिर डिनाई. ये सारे मतलब इन्हीं सभी वर्ड्स का मतलब होता है मना करना. लेकिन रिफ्यूट आप किसके लिए लगाते हो? चार्जेस. जब आप किसी से चार्जेस मना करते हो, किसी पर आरोप का मना करते हो, तो उसे कहते हैं रिफ्यूट. किसी की हेल्प करने से मना करते हो तो उसे कहते हैं रिफ्यूज. अगर आप कोई ऑफर को ठुकराते हो तो उसे कहते हैं डिक्लाइन करना. और किन्हीं चार्जेस को अगर आप करते हो तो डिनाई या फिर रिफ्यूट में से कोई भी आप इस्तेमाल कर सकते हो. तो डिनाई, रिफ्यूट, डिक्लाइन एन ऑफर, रिफ्यूज समबडीज हेल्प या फिर रिफ्यूट चार्जेस. ये हो गए. अगले टर्म पर बढ़ते हैं. देखिए, यहाँ पर इन्होंने कहा है 2 lakh a month spent on defunct project. यानी कि एक ऐसे प्रोजेक्ट पे विच हैज़ बीन डिफंक्टेड, विच हैज़ नॉट बीन इन यूज नाउ, जो अभी जिंदा नहीं बचा है, जो प्रोजेक्ट अब खत्म हो चुका है, उस प्रोजेक्ट पर 2 lakh rupees हर माह खर्च हो रहा है. तमिलनाडु पेइंग डेमरेज एज सबमरीन म्यूजियम फेल थ्रू. तो दो तीन टर्म्स हैं हमारे यहाँ पर, फेल थ्रू और उसके बाद है डेमरेज क्या है और हम डिफेंक्ट. ये तीन टर्म्स को हम लोग देखते हैं. कहता है नो अट्रैक्शन, INS वजील वॉज हैंडेड ओवर टू तमिलनाडु गवर्नमेंट ऑन 8 अप्रैल 2013 को ये दिया गया था. तो डिफंक्ट का मतलब क्या हो जाता है? समथिंग विच इज़ नो लॉन्गर एग्जिस्टिंग और बींग यूज. कुछ ऐसा जो कि अब इस्तेमाल नहीं हो रहा है और अब इस्तेमाल में नहीं है और ना ही वो एग्जिस्ट कर रहा है, तो उसे हम कहते हैं डिफंक्ट. सिनोनिम्स इसके हमारे क्या बनते हैं? जैसे बाईगॉन, बाईपास्ट, डेड, एक्सटिंक्ट, एक्सपायर्ड, डिपार्टेड और वैनिस्ड. ये सारे इसके सिनोनिम्स हो जाते हैं. बाईगॉन, बाईपास्ट, डेड है, एक्सटिंक्ट है, एक्सपायर्ड है, डिपार्टेड है या फिर वैनिस्ड है. ये सारे के सारे इसके सिनोनिम्स हो जाते हैं. बाईगॉन, बाईपास, डेड, एक्सटिंक्ट, एक्सपायर्ड, डिपार्टेड एंड वैनिस्ड. एंटोनिम्स की बात करेंगे तो हो जाएगा हमारा अलाइव, एग्जिस्टेंस, एग्जिस्टिंग, एक्सटांट या फिर लिविंग. ये सारे के सारे इसके एंटोनिम्स हो जाते हैं डिफंक्ट के. तो डिफंक्ट का मतलब याद रखिएगा, डिफंक्ट का मतलब हो गया कुछ ऐसा जो एग्जिस्ट नहीं कर रहा है और अब उसका कोई यूज नहीं बचा है. ठीक, उसके बाद हमारा अगला टर्म था यहाँ पर कि डेमरेज. डेमरेज क्या है आपका? डेमरेज इज अ चार्ज फॉर डिटेनिंग द शिप, फ्राइट, कार और ट्रक. तो चूंकि है ये, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो हमारे INS जो भी होते हैं, INS वजील है, तो ये ओन कौन करता है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने स्टेट गवर्नमेंट को ये दे रखा है और उन्होंने उससे कहा कि आप इसका म्यूजियम बना लीजिए और इसको टूरिस्ट, एज अ टूरिस्ट प्लेस की तरह से इस्तेमाल करिए और इसे रेवेन्यू कलेक्ट करिए और इस शिप का जो 2 lakh rupees पर माह का किराया है वो आप हमें दीजिएगा. तो डेमरेज पे कर रहे हैं, तो यही जो किराया है, जो उस शिप का रेंट है, उसको हम कहते हैं डेमरेज. तो डेमरेज क्या है? किसी शिप को अपने पास रखने के लिए जो आप किराया पे करते हो उसे हम कहते हैं डेमरेज और वही टर्म यहाँ पर इस्तेमाल हुआ है. इसके बाद बोलते हैं फेल थ्रू. तो फेल थ्रू से रिलेटेड देखते हैं, फॉल थ्रू से मतलब क्या आता है आपका. देखिए, पहला जो हमारा idiom है वो है फॉल थ्रू. ये फ्रेज है, फ्रेजल वर्ब है. मतलब क्या हो जाता है? टू नॉट बी कंप्लीटेड और नॉट हैपन. आर प्लान्स फेल थ्रू बिकॉज ऑफ लैक ऑफ मनी. पैसे की कमी की वजह से हमारे प्लान्स जो थे वो फेल थ्रू हो गए, वो कंप्लीट नहीं हुए और वो नहीं आए. तो फॉल थ्रू का मतलब वो हमारे डेड हो गए प्रोजेक्ट्स, उनको यूज नहीं, उनको नहीं कर पाए. तो वो ये कह रहे हैं कि तमिलनाडु टेमरेज पे कर रहा है, जैसे कि चूंकि सबमरीन जो म्यूजियम था वो फेल थ्रू हो गया, वो प्रोजेक्ट जो है फेल हो गया पूरी तरीके से. ठीक है, इसके बाद आता है फॉल टू समबडी.
फॉल टू somebody का मतलब हो जाता है टू बिकम द ड्यूटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ somebody. किसी की ड्यूटी या फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी बनने से रिलेटेड आता है टू फॉल टू somebody, मतलब टू बिकम द ड्यूटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ somebody. अगला हमारा जो आता है फॉल से ही रिलेटेड. देखिए हम इस सेशन में क्या करते हैं, हर वर्ड से रिलेटेड जितने भी रिलेटेड वर्ड्स हैं सभी को देख लेते हैं, इसलिए हम यहाँ पर देख रहे हैं फॉल टू समथिंग. या फॉल टू समथिंग का मतलब क्या है, टू बिगिन टू डू समथिंग, कुछ करने से रिलेटेड आ जाता है. एग्जाम्पल के तौर पर आप देख सकते हो शी फेल टू ब्रूडिंग अबाउट वॉट हैपन टू हर, यानी कि वो उसने सोचना शुरू किया. ब्रूडिंग करने का मतलब होता है सोचना, उसने सोचना शुरू किया कि उसको क्या हुआ है. फिर अगली फ्रेजल वर्ब आती है फॉल बैक करना. फॉल बैक का मतलब हो जाता है रिट्रीट करना और टू मूव और टर्न बैक, वापस चले जाने के लिए आता है फॉल बैक. इसके बाद आता है द एनिमी फेल बैक एज आर ट्रूप्स एडवांस, जैसे ही हमारे ट्रूप्स आगे बढ़े एनिमी पीछे बढ़ गया और उसने रिट्रीट कर लिया और उसने अपने कदम पीछे खींच लिए. अगला हमारा बनता है फॉल फॉर समबडी. फॉल फॉर समबडी का मतलब हो जाता है टू बी स्ट्रांगली अट्रैक्टेड टू somebody, किसी की तरफ स्ट्रांगली अट्रैक्ट होना. फॉर example, दे फेल फॉर ईच अदर instantly. वो एक दूसरे के लिए से instantly अट्रैक्ट हो गए. ठीक है, तो हमारा जो एक phrasal verb यहाँ पर आया था fell through, उससे related हमने सारे जितने भी fall से related हैं देख लिए. important, fall through मतलब हो गया कुछ ना होना, fail होना. fall to somebody मतलब किसी की आपके ऊपर responsibility बढ़ना. ठीक है, फॉल टू समथिंग का मतलब हो गया कुछ कार्य को शुरू करना, और फॉल बैक का मतलब हो गया वापस जाना, और फॉल टू फॉर समबडी का मतलब हो गया किसी से अट्रैक्टेड होना. इसके बाद अगला होता है डे वन ऑफ डी यू एडमिशंस पासेज विदाउट अ हिच, यानी कि विदाउट अ हिच. पहला दिन जो डी यू के एडमिशंस का था वो पास हो गया. कैसे, विदाउट अ हिच. हिच का मतलब, विदाउट अ हिच का मतलब हो जाता है अ प्रॉब्लम और डिफिकल्टी दैट कॉजेज अ सॉर्ट ऑफ डिले, यानी कि कोई समस्या या कोई डिफिकल्टी जिससे आपकी कोई समस्या होती, जैसे कि जो प्रॉब, जैसे कहा ना कि पहला दिन विदाउट अ हिच पास हो गया, यानी कि कोई समस्या नहीं हुई, कोई भी डिफिकल्टी किसी को नहीं हुई. द सेरेमनी वेंट ऑफ विदाउट अ हिच, यानी कि बिना किसी प्रॉब्लम के. ठीक, ओके, नाउ लेट्स मूव अहेड. अगले टर्म पे आते हैं. हमारे यहाँ पर हमारे और कोई ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं है, सो नाउ वी आर कमिंग डायरेक्टली टू द स्पोर्ट्स पेज, और यहाँ से शुरू करेंगे, क्योंकि मैं रोज आपको स्पोर्ट्स पेज के वर्ड जरूर दिखाता हूँ, बिकॉज यहाँ पर बहुत ही अच्छे अच्छे idioms इस्तेमाल होते हैं, अच्छे अच्छे वर्ड्स इस्तेमाल होते हैं, तो उन्हीं कुछ अच्छे शब्दों का डिस्कशन हम यहाँ पर करेंगे. अगर आप लोग इस वीडियो को देख पा रहे हैं और आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है, देन प्लीज डू लाइक द वीडियो, क्योंकि मुझे किसी के कॉमेंट्स नहीं आ रहे हैं, सो आई एम अनेबल टू फाइंड आउट दैट आर यू enjoying द सेशन और नॉट. प्लीज डू लाइक द वीडियो. शुरू करते हैं, अभी आगे बढ़ते हैं. चलिए, सो नाउ लेट्स मूव अहेड. कहते हैं relentless इंडिया कीप्स conquering conditions एंड opponents अलाइक. कह रहे हैं कि relentless इंडिया जो है, relentless इंडिया ने क्या किया है, कीप्स conquering conditions एंड opponents अलाइक. तो यहां पर वर्ड जानते हैं relentless और conquering. पहले कहते हैं conquer करने का मतलब क्या है. कॉन्कर करने का मतलब हो जाता है टू टेक कंट्रोल ऑफ अ कंट्री और सिटी, या फिर किसी को बुरी तरीके से हराना किसी कॉम्पिटिशन में. तो यानी कि भारत ने क्या किया है, अपने ओपोनेंट्स को बहुत बुरी तरीके से, बहुत अच्छे से कॉन्कर किया है, उनका कंट्रोल किया है, उनको हरा दिया है, उनको बहुत अच्छे से सच कॉम्पिटिशन में हराया है. तो कॉन्कर करने का मतलब ये हो जाता है. सिनोनिम्स देखते हैं कॉन्कर के, क्या हो जाते हैं, डोमिनेट करना, ओवरपावर करना, पैसिफाई करना, सबड्यू करना, सब्जेक्ट करना, सबजुगेट करना, सबऑर्डिनेट करना, या फिर वैंक्विश करना, ये इसके सिनोनिम्स हो जाते हैं. एंटोनिम्स की बात करेंगे तो हो जाता है ड्रब या फिर लूज. तो ये तो था कॉन्कर. अब देखो इसका एक सिनोनिम, एक इसका होमोफोन होता है. होमोफोन क्या होता है इसका, कॉन्कर. ये होमोफोन होता है इसका. तो आपने मैथ्स में पढ़ा होगा कॉन्करेंट लाइन्स, आपने पढ़ा होगा कॉन्करेंट फिगर्स या फिर कॉन्करेंट लाइन्स. तो कॉन्कर करना या फिर करने का मतलब हो जाता है एग्री करना. जैसे आई कॉन्कर यू मतलब हो गया मैं तुम्हारी बात से सहमत हूँ, आई एग्री विद यू, आई डू एग्री विद यू. तो कॉन्कर करने का मतलब हो जाता है किसी की बात से सहमत होना, किसी पॉइंट पर, एक ही पॉइंट, एक ही लाइन पर सहमत होना, उसके लिए आता है कॉन्कर करना. दोनों का प्रोनंसिएशन सेम है, इसीलिए दोनों एक दूसरे के होमोफोन्स हैं, लेकिन इसकी स्पेलिंग है कॉन्कर और इसकी स्पेलिंग ये है, तो दोनों में डिफरेंस है. ओके, दूसरा वर्ड हमारा था रिलेंटलेस. तो रिलेंटलेस का मतलब क्या हो जाता है, कंटिन्यूइंग विदाउट बिकमिंग वीकर, लेस सीवियर और रिमेनिंग स्ट्रिक्ट और डिटरमाइंड. यानी कि
जो भारत है वो डिटरमाइंड होकर, दृढ़ निश्चय होकर आगे बढ़ रहा है, तो क्या कर रहा है, सभी टीम्स को जीतता जा रहा है, कैसे होकर, रिलेंटलेस होकर, यानी कि बिल्कुल ही बिना वीक हुए, बिना सीवियर हुए और एकदम स्ट्रिक्ट बनकर वो रिलेंटलेस होकर आगे बढ़ रहा है। सिनोनिम्स क्या होंगे, डिटरमिंड, डॉग्ड, ग्रिम, इम्प्लेकेबल, अनयील्डिंग, अनअपीजेबल, अनफ्लिंचिंग या फिर अनरिलेंटिंग, ये हैं इसके सिनोनिम्स। मतलब एकदम डिटरमिंड होकर, डॉग्ड होकर, ग्रिम होकर, इम्प्लेकेबल होकर, अनयील्डिंग होकर, अनअपीजेबल होकर, अनफ्लिंचिंग होकर या फिर अनरिलेंटिंग होकर, ये इसके सिनोनिम्स हो गए। ठीक, चलिए आगे बात करते हैं। यहाँ तक हमने देख लिया कि आपका क्या है, रिलेंटलेस इंडिया, यानी कि दृढ़ निश्चय इंडिया क्या कर रही है, कॉन्कर कर रही है हर कंडीशंस को, हर अपोनेंट्स को। ठीक, फिर यहाँ लिखते हैं कि द जैगरनॉट विराट कोहलीज मैन हैव फाउंड द आंसर टू एवरी क्वेश्चन दैट हैज बीन आस्क्ड ऑफ देम सो फार, यानी कि अभी तक उनसे जितने भी सवाल पूछे गए हैं सभी के उन्होंने जवाब पा लिए। तो टर्म यहाँ यूज हुआ है जैगरनॉट। अब देखो जैगरनॉट को मैं याद करने के लिए मैं आपसे कहूंगा कि देखो यार, हिंदी में एक टर्म होता है, आपको पता है, भगवान होते हैं जगन्नाथ। मैं कहूंगा आप इसी से याद रख लो जगन्नाथ से, कि जगन्नाथ मतलब क्या है, गॉड हु इज वेरी गुड, हु इज वेरी पावरफुल। तो जैगरनॉट का मतलब भी यही हो जाएगा, अ लार्ज एंड पावरफुल फोर्स और इंस्टीट्यूशन दैट कैन नॉट बी कंट्रोल्ड, एक लार्ज पावरफुल फोर्स या फिर इंस्टीट्यूशन जिसे हम कंट्रोल नहीं कर सकते। तो जगरनॉट का मतलब हो जाता है एक बहुत ही पावरफुल पर्सन, बहुत ही पावरफुल पर्सन। तो यहाँ पर इन्होंने इंडियन टीम को जगरनॉट बताया है, कहा है कि बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है इंडिया की कोहली की टीम। ठीक है, वेल ऑइल्ड कार का मतलब क्या हो गया, जिसको बहुत अच्छे से मशीनरी को, जिस मशीनरी को बहुत अच्छे से ऑयलिंग किया गया है, मतलब बहुत ही अच्छी है। चलो इसके बाद बोलते हैं इमिनेंट। इमिनेंट का मतलब क्या है, देखिए यहाँ पर इन्होंने लिखा है इमिनेंट गेम। व्हाट इज द इमिनेंट गेम, इमिनेंट गेम का मतलब हो जाता है आपका विच इज हैपनिंग वेरी सून, जो बहुत ही जल्दी होने वाला है, यानी कि इम्पेंडिंग है, जो अगला गेम है उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो इम्पेंडिंग, लूमिंग, पेंडिंग, थ्रेटनिंग, अराउंड द कॉर्नर, इन द पाइपलाइन या फिर ऑन द एनविल, जो कि होने वाला है, जो कि होने को है, तो उसके लिए इस्तेमाल होता है इमिनेंट। ठीक है, तो इमिनेंट मतलब जो होने वाला गेम है, अगला गेम है, उसके बारे में वो बात करना चाहते हैं। ठीक, तो ये सारे टर्म्स हमारे यहाँ पर हो गए। अगला देखिए, कहता है वेस्ट इंडियन क्रिकेटर, ऑल वी हैव क्रिकेट, ऑल वी हैव इज नॉस्टैल्जिया, यानी कि वेस्ट इंडियन क्रिकेट से रिलेटेड जो भी है हमारे पास वो क्या है, सिर्फ नॉस्टैल्जिया है। नॉस्टैल्जिया का मतलब क्या हो जाता है, प्लेजर एंड सैडनेस दैट इज कॉज्ड बाय रिमेंबरिंग समथिंग फ्रॉम द पास्ट एंड विशिंग दैट यू कुड एक्सपीरियंस इट अगेन। तो नॉस्टैल्जिया इज लाइक, जैसे बचपन की हम यादों को याद करते हैं तो हमें लगता है काश हम वापस बचपन में चले जाएं और हम उन चीज़ों को जी पाएं। कॉलेज की मेमोरीज याद करते हैं तो लगता है शायद वापस कॉलेज चले जाएं और जी पाएं। तो वो जो फीलिंग होती है, वो जो थॉट होता है, उसे हम कहते हैं नॉस्टैल्जिया। इसके लिए सिनोनिम आप याद रख सकते हो, विस्टफुल नॉस्टैल्जिया का सिनोनिम होता है, एग्जैक्टली सेम मतलब है। और पेंसिव का मतलब होता है थॉटफुल होना, सोचना किसी के बारे में बहुत ज़्यादा, बहुत सारे थॉट्स का दिमाग में घुमड़ने के लिए आता है थॉटफुल होने के से रिलेटेड। ठीक है, तो थॉटफुल होने का आप याद रख सकते हो। अब देखिए यहाँ पर इन्होंने कुछ और भी बहुत सारी अच्छी चीज़ें लिखी हैं। लिखते हैं कि परहैप्स द फोनिक्स विल राइज फ्रॉम द एशेज बट नाउ फॉर नाउ टाइम इज रनिंग आउट, यानी कि शायद जो फोनिक्स है वो फिर से एशेज से उठेगा, लेकिन फिलहाल तो समय जो है वो बढ़ता जा रहा है। अब जानते हैं फोनिक्स क्या है, सबसे पहले जान लेते हैं फोनिक्स क्या है। देखो फोनिक्स एक तरीके के, जैसे हमारी स्टोरीज में कुछ कुछ होते हैं ना जीव, कि ये ऐसा है, वो जैसे शेषनाग है हमारे यहाँ, तो वैसे तरीके से ही फोनिक्स स्टोरीज में आने वाली एक मैजिकल बर्ड है, एक मैजिक बर्ड है जो कि लिव्स, विच लिव्स फॉर सेवरल थाउजेंड्स ऑफ ईयर, जो कि बहुत वर्षों तक रहती है। फिर क्या होता है, फिर बहुत सारे वर्षों के बाद में अपने आप को वो बर्न कर लेती है। जैसे ही वो बर्न करती है, फिर वो कुछ दिनों के बाद फिर से वो जन्म लेती है और फिर से वो बड़ी होती है। तो दिस इज फोनिक्स। तो वहां से आपका ये idiom बन जाता है कि टू राइज लाइक अ फोनिक्स फ्रॉम द ashes, यानी कि बिल्कुल राख हो जाना और बिल्कुल जी शून्य से शुरू करना, एकदम जेनिथ से, बिल्कुल स्क्रैच से शुरू करना और फिर से बड़ा होना, तो उसको कहते हैं टू बी पावरफुल और सक्सेसफुल अगेन। तो एक समय के बाद में फिर से पावरफुल या सक्सेसफुल होने के लिए आता है, टू राइज फ्रॉम लाइक अ फोनिक्स फ्रॉम द ashes। ठीक, इसके बाद देखो अगला क्या लिखते हैं, कहते हैं सोल सैंपल, एकमात्र सैंपल है क्रिस गेल, अल्बाइट इन द ट्विलाइट ऑफ हिज करियर इज द लास्ट ऑफ द वेस्ट इंडियन ग्रेट स्टिल स्टैंडिंग। तो लिखते हैं आपके अल्बाइट, अल्बाइट क्या है,
अल्बाइट बेटा कंजंक्शन है जिसका मतलब होता है ऑल दो, तो वो ये कह रहा है कि यद्यपि, यद्यपि ही इज स्टैंडिंग ऑन द ट्विलाइट ऑफ हिज करियर। तो आप जानते हैं ट्विलाइट ऑफ द करियर का मतलब क्या है, अल्बाइट का मतलब हो गया ऑल दो। फॉर एग्जाम्पल ही फाइनली अग्रीड अल्बाइट रिलक्टेंटली टू हेल्प अस, यानी कि उसने वो फाइनली वो एग्री हो गया अल्बाइट रिलक्टेंटली, बिना मतलब बिना इच्छा के, यद्यपि बिना इच्छा के हमारी मदद करने के लिए। तो फाइनली वो एग्री हो गया हमारी मदद करने के लिए, एटलीस्ट बिना इच्छा के, बट हाँ वो हमारी मदद करने के लिए एग्री हो गया। ठीक, अगला आता है ट्विलाइट। तो ट्विलाइट का मतलब क्या होता है, देखिए जैसे सूरज डूब जाता है तो हल्की सी रोशनी जो आती है ना, इसको कहते हैं ट्विलाइट। द फेंट लाइट और पीरियड ऑफ टाइम दैट एट द एंड ऑफ द डे आफ्टर द सन हैज गॉन डाउन, जब सूरज डूब जाता है तो जो हल्की सी रोशनी आती है उसको कहते हैं ट्विलाइट। ओके, अब यहां पर उसका मतलब क्या है, यहां पर उसका मतलब होता है द फाइनल स्टेज ऑफ समथिंग व्हेन इट बिकम्स वीकर और लेस इंपॉर्टेंट दैन इट वॉज, यानी कि किसी चीज की फाइनल स्टेज होना कि उसके बाद वो वीक हो जाएगा और लेस इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो क्रिस गेल इसके बाद रिटायरमेंट ले लेंगे, तो क्रिस गेल अल्बाइट इन द ट्विलाइट ऑफ हिज करियर, यानी कि यद्यपि वो अपने करियर के बिल्कुल एंड में हैं, फिर भी वो इज द लास्ट ऑफ द वेस्ट इंडियन ग्रेट्स स्टिल स्टैंडिंग, वो वेस्ट इंडिया के ग्रेट इंडीज के ग्रेट बैट्समैन में से एक हैं जो अभी भी खड़े हैं। ठीक, अगला कहता है फोज एंड फ्रेंड्स। फोज एंड फ्रेंड्स का मतलब क्या है, फो का मतलब होता है एनिमी, फो का मतलब होता है एनिमी, फोज मतलब होता है एनिमी। ठीक, यहां तक हो गया, आगे बढ़ते हैं। कहता है प्रिटोरियस इज द नेम ऑफ द पर्सन एंड कंपनी, प्रिटोरियस एंड द कंपनी रिप थ्रू श्रीलंका बिफोर अमला ड्यूप्लेसिस फिनिश द जॉब। तो रिप थ्रू का मतलब क्या होता है, रिप थ्रू मतलब, देखो रिप थ्रू का मतलब यहां पर तो ये है कि उन्होंने उनसे हराया, बाकी मीनिंग जान लेते हैं। रिप इनटू का मतलब क्या होता है, रिप इनटू का मतलब हो जाता है थ्रू सम, रिप इनटू या फिर थ्रू समबडी और समथिंग का मतलब हो गया टू गो वेरी क्विकली एंड वायलेंटली इनटू और थ्रू समथिंग, किसी के बीच से बहुत ही तेजी से वायलेंटली गुजर जाने के लिए आ जाता है। फिर आता है रिप समबडी ऑफ, रिप समबडी ऑफ का मतलब हो जाता है टू चीट समबडी बाय मेकिंग देम पे टू मच, यानी कि किसी से एकदम उसको रिप, यू रिप्ड हिम ऑफ, मतलब तुमने उसका एकदम कहते हैं ना कि किसी कस्टमर का तेल निकाल लेना, किसी कस्टमर का एकदम आपने उसको सारा पैसा निचोड़ लेना उस तरीके से। तो टू चीट समबडी बाई मेकिंग देम पे टू मच, बहुत ज़्यादा पैसा ले लेना। फॉर एग्जाम्पल टूरिस्ट कंप्लेन ऑफ बींग रिप्ड ऑफ बाई लोकल कैब ड्राइवर्स, टूरिस्ट कंप्लेन करते हैं किस चीज़ का, कि वो लोकल कैब ड्राइवर्स जो हैं वो उनसे बहुत ज़्यादा पैसा वसूलते हैं और बहुत ज़्यादा पैसा खींच लेते हैं, तो रिप ऑफ उस सेंस में आ गया। फिर कहता है रिप एट समथिंग, तो रिप एट समथिंग का मतलब हो जाता है टू अटैक समथिंग वायलेंटली यूजुअली बाय टियरिंग और कटिंग इट, क्या हो जाएगा ये, कटिंग इट। ठीक है, मतलब किसी चीज पर अटैक करना बहुत ही बुरी तरीके से बाय उसको टियर करके या फिर कट करके। दूसरा ट्रिप इन टू समबडी या समथिंग का मतलब हो जाता है टू क्रिटिसाइज समबडी और टेल देम दैट यू आर वेरी एंग्री विद देम, किसी को क्रिटिसाइज करना या फिर उसे बताना कि आप उससे बहुत ज्यादा नाराज हैं, तो ये यहां पर रिप इन टू समबडी का मीनिंग हो जाता है। ठीक है, सो ये थे हमारे आज के वर्ड्स एंड आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर आपको वीडियो पसंद आया है देन प्लीज़ डू लाइक द वीडियो एंड आप अगर आपको आपके कुछ फ्रेंड्स हैं जिन्हें ये वीडियो मदद कर सकता है तो प्लीज़ डू शेयर इट विद देम एंड फिर मैं आप बाकी हम इस तरीके की सीरीज़ को कंटिन्यू रखेंगे। ठीक है, चलिए और देखिए यहाँ पर एक और टर्म ये आया है, कहता है कि ऑन द प्रॉल Dwayne Pretorius proved too hot for the Sri Lankan batsman. तो on the prowl का मतलब जान लेते हैं, prowl क्या है, एक on the prowl हमें एक मिल गया यहाँ पर, तो इसको भी देख लेते हैं। on the prowl का मतलब क्या है, on the prowl का मतलब हो जाता है moving quietly and carefully hunting or looking for something, बहुत धीरे से, मतलब hunting for something एक तरीके से आप ऐसे समझ लो कि आप hunting for something, ठीक है, यानी कि ये शिकार कर रहे हैं, तो उस तरीके से आया है ऑन द प्रॉल, यानी कि ये जो इनका नाम है ड्वेन प्रिटोरियस, इन्होंने शिकार किया है ज़्यादातर श्रीलंकन बैट्समैन का, इस तरीके से इन्होंने बात कही है। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो देन प्लीज़ डू लाइक इट और इसके अलावा टाइम हम इसको करते हैं रोज़ 12 बजे, श्रीकर इति हम इसको करते हैं रोज़ 12 बजे। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि जैसे ही मैं आप लाइव आऊँगा तो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। ठीक है, वी डू इट अराउंड 12 PM इन द आफ्टरनून। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक इट और इसके अलावा अगर आप अभी अगर आप मुझसे पढ़ना चाहते हैं देन यू कैन ऑल्सो सब्सक्राइब टू अनअकैडमी प्लस। अनअकैडमी प्लस सब्सक्राइब करने के लिए आपको क्या करना है,
देखिए, अनअकैडमी प्लस सब्सक्राइब करने के लिए पहला काम आपको करना है कि आपको अनअकैडमी लर्निंग ऐप को डाउनलोड करना पड़ेगा। इफ़ यू डाउनलोड लर्निंग अनअकैडमी लर्निंग ऐप, उसके बाद आप देखिए प्लस पर जा सकते हैं, और प्लस पर जाने के बाद में आपको यहाँ पर गेट सब्सक्रिप्शन का ऑप्शन दिखेगा। जैसे ही गेट सब्सक्रिप्शन पर क्लिक करेंगे उसके बाद ये ऑप्शन आपको दिखते हैं। आप 12 मंथ का प्लान चूज़ करेंगे वो बेहतर होगा, क्योंकि ये ईयरली प्लान है तो 5000 रुपीज़ इसका कॉस्ट है। आप उसमें उसके बाद मेरा रेफरल कोड एंटर करेंगे, दैट इज़ अमन त्रिवेदी, तो आपको 10% का डिस्काउंट मिलता है। तो ये जो कॉस्ट आपको 5000 दिख रही है, 5000 के बजाय आपको सिर्फ 4500 रुपये देने होंगे। लेकिन अगर आपके पास कुछ क्रेडिट्स हैं तो 10% का डिस्काउंट और मिल जाएगा। तो सिर्फ 4000 रुपये में 12 महीने तक, अगले एक साल तक आपको क्या मिलेगा, आपको जितने भी टीचर्स यहाँ पढ़ाते हैं सभी की क्लासेस मिलेंगी, जितने भी सब्जेक्ट्स हैं होते हैं आपके एसएससी में, इंग्लिश, मैथ, जनरल अवेयरनेस, जनरल इंटेलिजेंस, प्रैक्टिस क्वेश्चन, सारी चीज़ें मिलेंगी, और जितने भी टीचर्स यहाँ पर पढ़ाते हैं सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिलेंगी। सो इफ़ यू वॉन्ट टू सब्सक्राइब टू अनअकैडमी प्लस, डू सब्सक्राइब। एंड इसके अलावा आप मेरा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने के लिए आपको सर्च करना है अनअकैडमी, आपने टेलीग्राम पर अमन त्रिवेदी आप सर्च करोगे सिंपली तो टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, वहाँ पे आपको पीडीएफ मिल जाएंगी। फेसबुक पे आपको सर्च करना है तो सर्च करिए त्रिवेदी अमन 25, वहाँ से आप मेरा फेसबुक पेज लाइक कर सकते हैं, तो वहाँ भी आपको इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन और लिंक्स वगैरह मिल जाएंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस वीडियो। हैव अ वेरी गुड डे अहेड। बाय बाय। चिकन हैव अ गुड डे। थैंक यू सो मच।